गाइस व्हाट्सअप। तो आज कैसॉन CX6 के अनबॉक्सिंग, हाउ टू यूज, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेसरीज को कैसे यूज करते हैं, इस पे बात की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैसॉन CX6 कैमरा के साथ आता है बहुत सारे स्पेशल एक्सेसरीज जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि पहला है मिनी ट्राईपॉड फॉर अ बेटर हैंडलिंग, डुअल चार्जर जिसमें साथ में दो बैटरीज चार्ज हो सकती है, एक्सटर्नल कैसॉन का माइक, एक ब्लूटूथ रिमोट फॉर बेटर डिस्टेंस रिकॉर्डिंग, दो कैसॉन के बैटरीज, एक कन्वर्टर कॉर्ड जो कि किसी भी 3.5 mm पिन के एक्सटर्नल माइक को सपोर्ट करता है, और ये भी बहुत सारी एक्सेसरीज मिलती है जो कि आपको इस बजट में दूसरे ब्रांड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। कैमरा का 1 ईयर वारंटी रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इस बारकोड को स्कैन करके कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे ई इनवॉइस सेंड करके कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इनवॉइस कहां से मिल सकता है, तो अपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऑर्डर हिस्ट्री में जाके आप इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कैसॉन CX6 का वाटरप्रूफ केस है। इस केस के साथ ये वाटरप्रूफ हो जाता है, और इसे ओपन करने के लिए इस क्लिप को सिर्फ ऐसा करना है और पीछे से इसे पुश कर देना है। कैमरे को यूज़ करने के लिए आपको SD कार्ड परचेज करना होगा, और आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका SD कार्ड 4K U3 SD कार्ड होना चाहिए, वरना आपका कैमरा का सॉफ्टवेयर और वीडियो दोनों ही लैग होगा, और उसी के साथ साथ आपका 4K क्वालिटी वीडियो भी नहीं आएगा। इस कैमरे को स्विच ऑन करने के लिए आपको इस पावर बटन पर दबा के रखना है, और यह ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इस नॉर्मल बटन पे दबाएंगे तो आपको वीडियो के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पे लूप रिकॉर्ड, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, फास्ट मोशन और वाईफाई जैसे ऑप्शंस है। अब आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको जूम इन और जूम आउट सेट करना होगा। जैसे ही आप सेट कर देंगे, उसके बाद आप रिकॉर्ड करने के टाइम पे आप उसे सेट नहीं कर पाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटो मोड पे कैसे जाते हैं। इसलिए आपको नीचे का बटन एक बार टैप करना होगा, और ये कैमरा मोड पे चले जाएगा। जैसे ही आप सिंगल मोड पे दबाएंगे तो आपको फ़ोटो के रिलेटेड ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि बर्स्ट, टाइम लैप्स, सेल्फ टाइम, लॉन्ग एक्सपोजर और वाईफाई जैसे ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको वीडियो की सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें वीडियो रेजोल्यूशन का ऑप्शन है। आप जिस भी रेजोल्यूशन में चाहे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इमेज स्टेबिलाइजेशन जिसका मतलब EIS होता है, जिससे आपके फुटेज बहुत ही स्टेबल आते हैं। वॉइस रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है। विंड नॉइज रिडक्शन जिससे आपका बाहर का आवाज़ कट हो जाता है। EV मीटरिंग और डेट स्टैम्प जैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके सेटिंग के एक सेक्शन में जाओगे तो आपको साउंड्स, एंगल जिसमें वाइड, मीडियम और नैरो मोड है, डाइविंग मोड, इफेक्ट्स, डिस्टॉर्शन कैलिब्रेशन, ड्राइविंग मोड जिसके अंदर ऑन करने से ये कार के डैश कैम के जैसा वर्क करना शुरू कर देता है, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। इस कैमरा के बैटरीज को चार्ज करने के लिए इस ड्यूल स्टेशन पे ऐसे आपको कनेक्ट कर देना है। इसके साथ ये चार्जिंग कॉर्ड आता है, जो कि आप अपने किसी भी मोबाइल चार्जर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि इंक्लूडेड नहीं है। इस कैमरे को iSmart TV 2 ऐप से कनेक्ट करने के लिए आपको नीचे के बटन को 3 सेकेंड्स का लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे वाईफाई ऑन हो जाएगा। अब आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है, वाईफाई में जाके अपने एक्शन कैमरा से कनेक्ट करना है। एक्शन कैमरा में ऑलरेडी पासवर्ड दिया गया होगा, उससे कनेक्ट करना है, और एक बार ये एक्शन कैमरा कनेक्ट हो जाए उसके बाद आपको नो इंटरनेट कनेक्शन का ऑप्शन आएगा, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका एक्शन कैमरा कनेक्ट होने के बाद आपके फ़ोन में डेटा पैक होना चाहिए। उसके बाद आपको iSmart TV 2 ऐप पे जाना है, ऐड न्यू कैमरा पे टैप करना है और वाईफाई कनेक्ट कर देना है, और ये आपका एक्शन कैमरा कनेक्ट हो चुका है। इस कैमरे को एक्सटर्नल माइक से कनेक्ट करने के लिए आपको सही पोर्ट में कनेक्ट करना है, फिर सेटिंग में जाना है, वॉइस रिकॉर्ड को ऑन रखना है, सेटिंग में जाके माइक्रोफोन में टैप करके एक्सटर्नल को सिलेक्ट करना है, जिससे आपके माइक का ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू हो जाएगा।
आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि अपना ड्राइविंग मोड आपको ऑफ रखना है, क्योंकि ड्राइविंग मोड सिर्फ कार डैश मोड मोड में ही ऑन रखना होता है। इस कैमरा के बिल्ट इन माइक को विदाउट एक्सटर्नल माइक रिकॉर्ड करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, वॉइस रिकॉर्ड को ऑन रखना होगा, फिर सेटिंग्स में जाके माइक्रोफोन को बिल्ट इन ऑप्शन पे रखना होगा, जिससे आपके बिल्ट इन माइक के ऑडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका एक्सटर्नल माइक कनेक्टेड है लेकिन माइक्रोफोन में आपका बिल्ट इन ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपके एक्सटर्नल माइक से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा और आपका आवाज़ क्लियर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड करना है और अगर एक्सटर्नल मोड सिलेक्टेड है, तो आपको एक बेस साउंड आएगा और आपका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने आपको इसमें लोगो के ऑप्शन दिए हैं, जिसमें एक्सटर्नल पे आपको माइक का ऑप्शन आएगा, और यही हिसाब से जब आप बिल्ट इन माइक पे रहोगे तो आपको बिल्ट इन का ऑप्शन आएगा। अगर आपको सेटिंग में इमेज स्टेबलाइजेशन मोड नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका डिस्टॉर्शन कैलिब्रेशन ऑन है। इसे ऑफ करने पे आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मोड आ जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इमेज स्टेबलाइजेशन मोड और डिस्टॉर्शन कैलिब्रेशन एक साथ में नहीं चल सकता है, एक टाइम पे एक ही मोड चलता है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, अगर आपको डिस्टॉर्शन कैलिब्रेशन को ऑन करना है तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपको डिस्टॉर्शन कैलिब्रेशन को फाइंड करके उसे ऑन कर देना है। अगर रिकॉर्ड करते करते ऐसे आपका स्क्रीन ब्लैंक आउट हो जाता है, तो मतलब ये स्क्रीन से वो मोड है आपका बैटरी बचाने के लिए होता है, इसलिए आपको स्क्रीन पे टैप करना होगा। और अगर आपको ये स्क्रीन से वो मोड ऑफ करना है, तो सेटिंग में जाके सेटिंग के टैब पे दबाना है और स्क्रीन सेवर को सर्च करके उसे ऑफ कर देना है। अगर आपके कैमरे में सारे ऑप्शंस उल्टे दिख रहे हैं, तो ये इस कैमरे का फीचर है, जिसके अंदर आप सेटिंग्स में जाके अपसाइड डाउन के बटन को ऑफ कर देंगे तो आपके सारे ही ऑप्शन सीधे हो जाएंगे। ये भी इस कैमरे का फीचर है, जहाँ पे अगर आपको कैमरा उल्टा यूज़ करना हो तो आप अपसाइड डाउन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने CS6 के रिलेटेड YouTube पे वीडियोस देखे होंगे और हमारा सॉफ्टवेयर ब्लू और वाइट होगा, तो ये हमारा 2021 का पुराना सॉफ्टवेयर है। और अगर आपने येलो और ब्लैक सॉफ्टवेयर देखा होगा, तो ये हमारा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जस्ट लाइक विंड नॉइस रिडक्शन, कार डैश कैम, और इसका EIS मोड भी बेटर किया गया है। इस कैमरे में जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन स्क्रीन पे ही दिया गया है। जैसे ही आप ये जूम इन का बटन दबाएंगे तो ये जूम इन हो रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप रिकॉर्ड का बटन दबा देंगे तो जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन चले जाएगा, इसलिए आपको रिकॉर्ड के पहले ही जूम इन और जूम आउट सेट कर देना है और फिर रिकॉर्ड का बटन दबाना है। इस कैमरा का हीटअप होना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि ये बजट 4K रियल कैमरा है, तो इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही हाई रहता है और इसकी बॉडी गर्म हो जाती है। लेकिन इससे आपके वीडियो क्वालिटी में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा और ना ही आपका कैमरा ख़राब होगा, और इसे यूज़ करने में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्शन कैमरा की फाइल्स को लैपटॉप में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए आपके चार्जिंग कॉर्ड को अपने एक्शन कैमरा में कनेक्ट करना होगा, और फिर वही चार्जिंग कॉर्ड को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना होगा, और फिर आपको एक्शन कैमरा में एक ऑप्शन आएगा जिस पे आपको MSDC पे सिलेक्ट करना है, उसके आपका लैपटॉप के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। USB ड्राइव E में जाके आप अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र, कॉपी या व्यू कर सकते हैं।
बताऊंगा कि फोटो ब्लॉगिंग का सेटअप कैसे करते हैं। इसके अंदर ये सारी आइटम्स इंक्लूडेड है और इसके अंदर चिन माउंट एक्सक्लूडेड है, जिसे आपको अमेजोन से या कैसॉन की वेबसाइट से खरीदना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे सेटअप कैसे करते हैं। आपके कैमरे को फुली प्रोटेक्ट नहीं करता है क्योंकि ये आगे से और साइड से खुला है। इसकी जगह पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सोन का केस, जो कि आगे से और पीछे से फुली प्रोटेक्ट करता है, और ये कॉम्बो पैक आता है जिसके साथ सिलिकॉन का लेंस कवर आता है जो कि आपके लेंस को डैमेज होने से बचाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर इस कैमरे को कैसे माउंट करते हैं। इस कैमरा के बेस्ट माइक सेटअप के लिए पहले तो आपको वायर को बराबर से कैमरा में लगाना है, फिर वही वायर को अंदर ले जाते हुए स्ट्रैप के नीचे से आपके माइक को यहाँ अंदर सेटअप करना है, जिससे आपकी माइक की क्वालिटी बहुत ही बेटर हो जाएगी। कार डैशबोर्ड कैमरा यूज़ करने के लिए आपको ये सारी एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर ये सारी एक्सेसरीज इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन ये आपको अलग से परचेज़ करना होगा। ड्राइविंग मोड सिलेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स पर टैप करना होगा और ड्राइविंग मोड को ऑन करना है, और फिर जैसे ही आप ऑन करोगे आपका कैमरा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको कार का एक सिंबल आएगा। कैमरा को ड्राइविंग मोड पे ऑन रखने के लिए आपको कैमरा की सेटअप ऐसे रखना होगा, उल्टा रखना होगा, इसलिए आपको अपसाइड डाउन मोड ऑन करना होगा, जिसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और फिर यहाँ पर जाके आपको अपसाइड डाउन मोड को ऑन कर देना है, जिससे आपकी स्क्रीन उल्टी हो जाएगी और आप इजीली रिकॉर्ड कर पाओगे। गाइस व्हाट्स अप, सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विद कैसॉन एक्सटर्नल माइक एंड ऑफ कोर्स विथ EIS मोड ऑन, जो कि इमेज स्टेबिलाइजेशन मोड है, एंड इसी के साथ साथ विंड नॉइज रिडक्शन मोड भी ऑन है क्लियर वॉइस क्वालिटी के लिए, और उसी के साथ साथ ये 4K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एंड यस एंजॉय द वीडियो क्वालिटी।
हेलो गाइस, आई एम सय्यम चपलोत, ओनर एंड फाउंडर ऑफ ब्रांड कैसॉन। हिंदी तो मेरी इतनी प्योर है नहीं, बट ब्रांड हमारा इंडियन है तो हिंदी में बोलना तो बनता है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे प्रोडक्ट पर ट्रस्ट किया और आप एक इंडियन ब्रांड कैसॉन फैमिली का हिस्सा बने हो। आप और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन दूसरे ब्रांड को फर्क नहीं पड़ता होगा, बट हमें पड़ता है। आपको पता होगा इस कैटेगरीज में इट इज डोमिनेटेड बाय बिग फॉरेन ब्रांड्स, इन्हीं का माल बिक रहा है। हम इंडियंस क्यों नहीं बना सकते एक ब्रांड इस कैटेगरी में? हम बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। हम मिलकर कंपीट करेंगे इन फॉरेन ब्रांड्स को। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो आप आपके फ्रेंड्स फैमिली को रिकमेंड कीजिए। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो आप प्लीज हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू बना के आपके यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कीजिए। अगर आप अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के मेंबर है तो आपके लिंक यूज करके अगर आप आपके वीडियो में डालते हैं तो इसमें आपका भी फायदा होगा, आपको अमेजोन की तरफ से कमीशन मिलेगा और फ्यूचर में हमारे बहुत सारे इनोवेटिव एक्सक्लूसिव एंड नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं इस कैटेगरी में। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में भी आने वाले हैं, तो प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो या सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन प्लस नए अपडेट्स प्लस जो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जो सिर्फ हमारे कैसॉन फैमिली के लिए होंगे वो आपको मिलते रहे। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि आज मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। अगर आपका कोई भी इम्प्रूवमेंट फीडबैक या ओपिनियन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई दूंगा। या फिर आपका कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम कस्टमर केयर से रिजॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टा ID नीचे है, मैं आपसे कोऑर्डिनेट करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सो आई गेस दैट्स इट। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी। आई होप यू लव आवर प्रोडक्ट्स। एंड अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें प्रोडक्ट रिव्यू दीजिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमें हेल्प करेगा ग्रो होने के लिए। सो आई गेस दैट्स इट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर अंडरस्टैंडिंग, एंड आई रियली थैंक यू फॉर बीइंग अ वैल्यूएबल कस्टमर। एंड फाइनली कैसॉन फैमिली में आपका स्वागत है। जय हिंद।